नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर 31 डिसेंबर व 1 जानेवारी रोजी नागपूर शहरातील पोलीस विभागांद्वारे संपूर्ण शहरात चोख बंदोबस्त करण्यात आला असल्याची माहिती नागपूरचे पोलीस आयुक्त मितेश कुमार यांनी दिली. राज्यातील वाढती कोरोना रुग्णांची संख्या व नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कुठलीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून संपूर्ण राज्यात चोख पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला आहे. नागपुरातही याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शहरात सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात करण्यात आले असल्याची माहिती नागपूरचे पोलीस आयुक्त मितेश कुमार यांनी दिली. ते म्हणाले की कोविड नियमावलीचं पालन जनतेने करावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून नागरिक कोविड नियमांची पायमल्ली करतील त्यांच्याविरुद्ध रीतसर कारवाई करण्यात येईल. संपूर्ण शहरातील सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी अंदाजे 2500 पोलीस कर्मचारी कामाला लावले असून शहरात जमावबंदीही लागू करण्यात आली आहे. तसेच मद्यपान करणाऱ्यांसाठी ड्रंकन ड्राईव्ह अभियानही राबविण्यात येत आहे. बंदोबस्त लगा हुआ है पूरे शहर में और किसी प्रकार की कोई अनुचित प्रकार नहीं हो इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं. कोविड गाइडलाइंस का लोग पालन करें इसके लिए भी हम पूरी तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं. जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सभी को पूरे शहर के सभी लोगों को और आप सभी को नवीन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा. अंदाजन 2500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बंद. कर्फ्यू नहीं है, जमावबंदी है. किसी प्रकार की कोई जमाव 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की अलाउ नहीं. ड्रंकन ड्राइविंग की जा रही है और किसी प्रकार की कोई अनुचित प्रकार नहीं हो उसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से पूरी तरीके से सतर्कता लगा कर की जा रही है.